समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के कन्नौज सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मामला कन्नौज जनपद में हुए बस हादसे में घायल लोगों को देखने अस्पताल आए थे अखिलेश यादव। उन्होंने इस दौरान CMS DS मिश्रा पर RSS का आदमी होने का आरोप लगाया था, साथ ही उनको छोटा पद होने की बात को लेकर भी बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी के कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री पर तीखा वार किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार सिर्फ गुंडों को पालती थी, इसलिए उन्होंने कन्नौज में गुंडों को ही देखा है। उनको सरकारी कर्मचारी का मान सम्मान करना नहीं आता, उनको हर व्यक्ति बीजेपी या RSS का ही लगता है। कन्नौज UP से संवाददाता शुभम कटियार की रिपोर्ट। को पूर्व मुख्यमंत्री ने RSS का आदमी बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? हम नेम प्लेट लगाए और अपन पहने खड़े थे, क्योंकि मरीजों का इलाज हम ही कर रहे हैं, और जब उसने कहा कि चेक नहीं मिली है, मैंने सफाई देनी चाहिए सर, चेक मिला हुआ है, ये भाग जाते हैं घर। इस पर भड़क गए एकदम से, क्या RSS के आदमी हो सकते हैं, बीजेपी के आदमी हो सकते हैं, निकल जाइए, बहुत छोटे अधिकारी हैं, जबकि खाली दो पद बाकी है मेरा प्रदेश में। नहीं, आपका कौन सा पद है इस वक्त? सीनियर कंसल्टेंट, जो CMO रैंक का होता है, एक पद बड़ा है हमसे AD का, दूसरा DG का। कारण छोटा पद है, आपको निकले बाहर जाइए, हम जबकि इमरजेंसी ड्यूटी में, मुझे भगा भी रहे हैं कि बाहर जाइए। किसने कहा ये? हैं, किसने कहा ये? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम लोग एक लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र को जीने का लगातार प्रयास करते हैं, और रही बात गलत भाषा की, तो सबसे पहले तो अखिलेश जी इस बात को समझ लें कि हम लोग संस्कारित राजनीतिक दल से और एक संस्कारित परिवार से आते हैं। निश्चित रूप से हम लोग कभी किसी महिला के लिए कोई भी अपशब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते, और सार्वजनिक जीवन में तो कभी हमने डिंपल जी या किसी भी महिला के लिए कोई भी सार्वजनिक इस प्रकार की चर्चा ही नहीं की जो किसी को अभद्र लगे। अगर इस प्रकार का कोई कमेंट उनके नज़र में है जो मैंने दिया हो, अभद्र हो, तो उसको उजागर करना चाहिए। और दूसरी बात रही बात अखिलेश जी जो जिस प्रकार से जो धमकी दे रहे हैं, तो उनको एक बात समझना चाहिए कि वो तो पहले ही जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो डिंपल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की सज़ा मुझे दे चुके हैं, जो मेरे खिलाफ़ फर्जी मुकदमे लगवा कर जेल भेज चुके हैं, और धमकी देकर वो आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? नीरज मिश्रा हत्याकांड को दोबारा एक बार दर्शाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीरज मिश्रा की हत्या कराई थी कन्नौज में, इससे अधिक भी कुछ करा सकते हैं? तो ठीक है अखिलेश जी, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, हम लोग लोकतंत्र में संघर्ष कर रहे हैं, कन्नौज की जो भी हूँ, कन्नौज की जनता की वजह से हूँ, और उसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है, और निश्चित रूप से आपकी धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बोला था उन्होंने, कहा था बड़ा आरोप लगाते हुए, कहा था अगर सरकार रहती तो कार्डियोलॉजी और कन्नौज में फायर स्टेशन और इत्र पार्क बन जाता, जो बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने कैंसिल करवा दिया। कल इत्र के ऊपर अखिलेश यादव जी का जो बयान मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने इत्र के ऊपर लेकर वो कुछ पता नहीं क्या करने वाले थे, उनकी क्या रोड मैप था इस बार? एक बार रोड मैप को तो सामने करिए। वो फ्रांस गए थे, बता रहे थे हम फ्रांस गए थे, हम ग्रासे में देख कर आए। क्या देख कर आए ग्रासे में भाई? हम लोग भी इत्र से जुड़े हुए हैं, सन 1911 की मेरी फर्म है, और हम लोग 5 पीढ़ियों से इत्र का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी आखिर बताएं, आप इत्र में क्या करना चाहते थे? निश्चित रूप से ये आप अपनी पत्नी के साथ में जाकर ग्रासे घूमने गए, सरकार की आपने पैसा खर्च किया, लेकिन वहाँ से क्या टेक्नोलॉजी लाए? किस टेक्नोलॉजी के आधार पर आप कन्नौज में इत्र का विकास करना चाहते थे? केवल वो बना देने से, पार्क बना देने से इत्र का विकास थोड़ा ही हो जाएगा अखिलेश जी? इसको लेकर जो है तमाम सारी जो है चीज़ों की आवश्यकता होती है, और कन्नौज में FFDC है। FFDC में जो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ के ऊपर रिसर्च होती हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक लोग काम करते हैं। दूसरी संस्था एक CMAP की है लखनऊ में, वहाँ के ऊपर भी वैज्ञानिक लोग काम कर। क्या यार बिट्टू बंद कर रहा है यार तुम? बस में बैठे यात्रियों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि बस में वहाँ पर मौजूद जो बच के यात्री निकले हैं, उन्होंने बताया कि 70 से 80 यात्री थे, जबकि सरकार और प्रशासन कम आंकड़े दिखा रहा है। देखिए अखिलेश जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इस प्रकार के जितने भी माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे बस माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो कोई माफिया, उनके बड़े अच्छे संबंध अखिलेश जी से रहे हैं, और ये बसें कोई आज से थोड़े ना चलने लगी हैं, तो अखिलेश जी के समय से चल रही हैं। आप जाइए, आप सफाई देख लीजिए, इटावा देख लीजिए, मैरोया देख लीजिए,
या जहाँ के ऊपर भी इस प्रकार की बसें चल रही होंगी तो अखिलेश जी के समय से चल रही होंगी, उन्हीं के समय पर ही उनको परमिट दिया गया। इनके लोग ही इस प्रकार के धंधे में पूरी तरीके से लिप्त हैं। छिबरा मुंह में अखिलेश यादव गए थे वहाँ पर मरीजों से मिलने, घायलों से मिलने, तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर, तो उनको यह कह के उन्होंने भगा दिया कि आप आरएसएस के बीजेपी के आदमी हैं, यहाँ से बाढ़ से निकल जाइए। क्योंकि एक उनका ही कार्यकर्ता था, उसने कहा था कि इन लोग को चेक नहीं मिली है मुआवजे की, जबकि उन्होंने कहा था नहीं दे चुके, तो इस पर भड़क गए थे अखिलेश यादव, क्या कहना। देखिए, उनका एक स्वजाति डॉक्टर वहाँ के ऊपर है जो कि तमाम भ्रष्टाचार में पिछले शासन में भी पूरी तरीके से लिप्त रहा है, और जिसके कारण से वहाँ के ऊपर स्वास्थ्य की स्थितियाँ किस प्रकार की थीं वो सारे लोग जानते हैं। उसके कहीं ना कहीं वो बहकावे में इस प्रकार की निम्न तुच्छ भाषा का जो प्रयोग अखिलेश यादव जी ने किया है, इनकी निम्न मानसिकता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त क्या कह सकता हूँ, मुझे लगता है सत्ता जाने के बाद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ के ऊपर सीमैप की संस्था है, वो उसमें भी वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, वो भी रिसर्च का इसी प्रकार का काम करती है। अखिलेश जी को बताना चाहिए क्या इन दोनों संस्थाओं के किसी वैज्ञानिक को साथ ले गए थे, यदि नहीं ले गए थे तो आखिर क्या कैसे कन्नौज का विकास करते हैं, कैसे इत्र के लिए क्या करते हैं। अखिलेश जी, आपने केवल राजनीति करी है और एक नहीं सैकड़ों उदाहरण इस प्रकार के कन्नौज में ही हैं कि आपने केवल अपने लोगों के विकास के लिए, अपने लोगों को ठेकेदारी दिलाने के लिए आपने सरकार के पैसे का जिस प्रकार के दुरुपयोग किया है वो कन्नौज की जनता ने देखा है, कन्नौज के लोगों ने देखा है। आपने विकास के नाम पर केवल चंद्र अपने चमचों को ही अरबपति खरबपति बनाया है, कन्नौज के आमजनों का कोई विकास आपने न तो किया है, ना ही आपके करने की किसी भी प्रकार की कोई स्थिति थी। अगर थी तो आपने साइकिल इंडस्ट्री की बात करते थे कि हम साइकिल इंडस्ट्री लगाएंगे, आपने लगाई। आप बात करते थे आलू आधारित उद्योगों की इंडस्ट्री लगाएंगे, आपने आज तक लगाई। अरे आप तो मुख्यमंत्री थे, आप तो जो चाहते वो कन्नौज के भीतर हो सकता था, लेकिन आपने को करना ही नहीं था। अगर इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा तो यहाँ का नौजवान पढ़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो अखिलेश जी जैसे लोगों को वोट कहाँ से करेगा। इनकी जाति धर्म की राजनीति जो ये करते हैं, ये जाति धर्म की राजनीति को बहकावे में वो आखिर किस प्रकार से आएगा। तो अखिलेश जी, ना तो इनकी मंशा है, मैं बड़े कड़े शब्दों में कहता हूँ, ना कभी इनके पिताजी की मंशा रही कि आम जनों का, खासकर गरीब जनों का विकास हो, ताकि वो लोग केवल जाति धर्म के नाम पर बस लड़ते रहें और इनको वोट करते रहें और ये सत्ता में बैठकर आराम से लूट करते रहें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।